हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड स्किल हब। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग कहानी की बात करेंगे। ये कहानी है संगत का प्रभाव। तो दोस्तों, इस कहानी का मुख्य सारांश संगत के प्रभाव के बारे में ही है। तो इसमें इस कहानी में क्या होता है वो अपन बात करेंगे। इसमें क्या होता है, एक राजा के पास एक तोता होता है। वो अपने तोते को बड़े प्यार से रखता है और मर जाता है। तो उसका मरने के बाद उस तोते का पिंजरा खाली हो जाता है। अब वो तोते का पिंजरा खाली हो गया तो उसको भरने के लिए फिर अपने राजा अपने मंत्री को बुलाता है और बोलता है कि कहीं से भी एक अच्छा तोता लेके आओ ताकि अब मेरा खाली पिंजरा भर जाए। तो मंत्री फिर एक संत के पास जाता है, उनके पास एक अच्छा तोता होता है। तो मंत्री राजा से मंत्री संत से कहते हैं कि संत माँ से यदि आप ये तोता हमको दे देते तो बड़ी कृपा होगी। तो संत बोलता है ठीक है ले जाओ। फिर राजा ने उस तोते को अपने पिंजरे में रख देता है और उसके लिए सारी सुख सुविधाओं का प्रबंध करता है, जैसे टाइम पे दाना पानी इत्यादि। तो तोता साधु की संगति में रहता है, इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त होते ही बोलने लगता है ओम तत्सत, उठो सभी उठो, ये मानव तन सत्संग के लिए मिला है, सोने के लिए नहीं। फिर वो रामायण की चौपाइयाँ गाने लगता है, तो कभी गीता के श्लोक बोलने लगता है। पूरा राज परिवार उसको उसकी सारी बातें बड़े छाव और आदर से सुनते थे। राजा कहते थे कि तोता नहीं एक संत महात्मा मिल गए हमको। तो ये कहानी चलती रहती है, लेकिन सबको पता है कि हर प्राणी की आयु निश्चित है। तो एक दिन वह तोता मर जाता है। तो उस तोते के शोक में राजा बड़ा दुखी हो जाता है, पूरी प्रजा भी दुखी हो जाती है, राष्ट्र का झंडा भी झुका दिया जाता है। फिर बहुत दिनों बाद जैसे तैसे करके फिर राजा अपना काम राजकाज में लगाते हैं। और राजा फिर पुनः उस खाली पिंजरे को भरने के लिए मंत्री से बोलते हैं कि खाली पिंजरा सुना सुना लगता है, तो हे मंत्री कहीं से भी कोई एक अन्य तोते की व्यवस्था करो। तो मंत्री ने फिर इधर उधर देखता है और फिर उस तोते का एक हुबहू तोता कसाई के पास होता है। तो वह कसाई के पास जाके बोलता है कि ये तोता हमें दे दीजिए, ये इस टाइप का तोता राजा को अत्यंत प्रिय है। तो कसाई बोलता है कि इस तोते के दो भाई थे, एक भाई मुझे मिल गया और दूसरा भाई एक संत महात्मा की संगत में चला गया। तो कसाई उसको ये तोता दे देता है। तो फिर राजा उसको पिंजरे में रखता है और उसके लिए सारी सुख सुविधाओं का व्यवस्था करता है, जैसे पुराने तोते के लिए की थी कि उसके लिए दाना पानी का है सब व्यवस्था कर लेता है। लेकिन जैसे ही तोता सुबह होती है तो वो अब शब्द बोलने लगता है। राजा को बोलता है रामी इधर आ, मेरे लिए अंडे ला, नहीं लाओगे तो डंडे खाओगे। तो उस टाइप के अब शब्द सुन के राजा को अत्यंत क्रोध आ जाता है और इतना क्रोध आ जाता है कि वो तोते को पिंजरे से निकाल लेता है और उसकी गर्दन मरोड़ के मार देता है और उसको किले से बाहर फेंक देते हैं। अब जैसा कि आपको पता है, दोनों तोते एक दूसरे के सगे भाई थे। दोनों का रंग रूप नाग नासिका सब कुछ एक था, वाणी भी एक थी। लेकिन ऐसा क्या था कि एक के लिए भंडारा किया गया, पूरे राष्ट्र में शोक मनाया गया और दूसरे की गर्दन तोड़कर फेंक दिया गया। तो उसमें एक ही कमी थी, वो थी संगति की। तो एक ने साधु की संगत की और दूसरे ने कसाई की। साधु की संगति से उसमें अच्छे गुण आए और कसाई की संगति से बुरे गुण आए। तो इसलिए कहते हैं कि संगत ही गुण होते हैं, संगत ही गुण जाए, बाँस फांस अरुमीशरी एके भाविकाए। मतलब संगत के हिसाब से ही होता है कि अगर अच्छी संगत के में रहेंगे तो गुण आएंगे और अगर बुरी संगत में रहेंगे तो दुर्गुण आएंगे। जैसे बाँस की फांस है और वही बाँस का लकड़ी कहीं अपन अच्छे काम में ले जा रहे तो दोनों की वैल्यू अलग अलग तरीके से जाती है। एक को आदर के तरीके से देखते हैं और एक को अपन निकृष्ट तरीके से देखते हैं। फिर बात आती है सत्य अस्तित्व की, जो उस सत्य की संगति करनी चाहिए जो शाश्वत और सनातन है। इसके लिए कहावत भी है कि पूरा सदगुरु न मिलिया, मिली न चाची सिख, वे जति का बनाएंगे घर घर मांगे भी। सदगुरु की संगति से ही मोक्ष मिल सकता है, इसलिए हमें सदगुरु की संगति करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।